biggest South Asian media group, Y Media. Y Media group ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ Y ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡਰ Y Media ਮੈਂ ਯੁਦਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, लेकिन नंबर 1 इशू जिहड़ा है वो बेरोजगारी है, खासकर जिहड़े नौजवान आ जिहड़े अज पढ़ लिख के उत्ते नौकरियां दी तलाश कर रहे आ, उन्हां नूं इंडिया दे विच नौकरियां उस लैवल दे उत्ते नहीं मिल रही। सो यह बहुत बड़ा इशू है। इस तों इलावा अज भी इकोनमी नूं लोग बड़ी इंपोर्टेंस दिंदे ने उत्थे कि जे इकोनमी ठीक होएगी नौकरियां ठीक होणगियां, यह बड़ा उन्हां दे नाल रिलेटड इशू है। फिर इस तों इलावा इनफ्लेशन महंगाई जिहड़ी है वह अज लोकां लई एक बड़ी चिंता दा विशा है, करप्शन अज भी एक इंपोर्टेंट इशू है, क्राइम अज भी एक इंपोर्टेंट इशू है। सो ये सारे बड़े इंपोर्टेंट इशूज ने और ये ते मैं गल कहांगा कि कितने ना कितने इनू ध्यान दे विच रखदे आ। बीजेपी और कांग्रेस तुसी दोनों पार्टीज दे जे रीसेंटली सारी गलबात सुनो, मैं अज राहुल गांधी जी की गलबात सुन रहा सी। राहुल गांधी जी अज कह रहे सीगे कि असीं, क्योंकि उन्होंने अपने मैनीफेस्टो च लिखा है कि हर गरीब महिला के खाते दे विच असीं 1 लाख रुपया पावांगे। सो अज राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं फटाफट बहुत जल्दी मतलब गरीबी खत्म कर दूंगा, फटाक से, उन्होंने वर्डिंग मैं कोट कर रहा है कि मैं फटाक से गरीबी खत्म कर दूंगा। अच्छ राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपया हरेक महिला दे गरीब महिला दे अकाउंट उस वेले तक पावांगे जदों तक, और ये साल का जी 1 लाख रुपया, साल का 1 लाख रुपया कहते उस वेले तक पावांगे जदों तक कि वो हर गरीब महिला जी गरीबी रेखा तो उपर ना चले जाए। सो ये आइडिया चंगा है, मैं पहला पोलीटिकल साइड नहीं जावगा, चंगा आइडिया जो हर गरीब महिला के खाते डायरैक्ट ट्रांसफर 1 लाख रुपया जाए। तो क्योंकि जे तुहानूं याद होए तो पहला भी जिदा पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी ने कहा से असीं 2000 देवांगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, होर बहुत जगह दे उत्ते जिहड़ी ईवन फैडरल जिहड़ी सरकार है, इंडिया दी सेंटर सरकार है, वह भी डायरैक्ट ट्रांसफर पैसा जिहड़ा वह दिंदी हैगी है, किसानां नूं भी दिंदी है, होर कईआं नूं डायरैक्ट ट्रांसफर जिहड़ी सेंटर दी सरकार भी दे रही है। सो किते ना किते जिहड़ा डायरैक्ट पैसे देण दी गल है और एक उहनूं क्वांटीफाई भी कर देना कि लख रुपया साल का दिता जाएगा, यह मैं समझदा क्योंकि जिहड़े सबनूं पता है कि इस वेले गरीबी, नौकरियां, महंगाई, करप्शन, क्राइम, ये सारे इंपोर्टेंट चैलेंजेस ने। सो इनू टारगेट जिहड़ा राहुल गांधी भी कर रहे हैं और मोदी साहब की भी जो गल करा तो मोदी साहब भी इसे तरह गल कर रहे हैं कि असी इंडिया की जिहड़ी GDP है उहनूं असी 3rd नंबर पर लै जाएंगे, पहला 10th नंबर पर सी, असी 5th नंबर पर इहनूं लैके आए हैगे। सो मैनूं लगता है कि कितें ना कितें हुण जिहड़ी है गलबात है मुद्दों की शुरू हो चुकी है, क्योंकि 19 तरीक करीब आ रही है, जिदा जिदा 19 अप्रैल करीब आएगी उदा उदा मेरे ख्याल में मुद्दों की गलबात जी ज़्यादा हुण होनी उत्थे शुरू हो रही है। और मैं इत्थे भी जरूर जिक्र कर देवां कि नाल दी नाल जिथे मुद्दों की गल हो रही है उत्थे किते ना किते कांग्रेस नूं भी ये गल समझ आ रही है कि 2014 और 2019 दे विच उन्होंने टारगेट किया, कांग्रेस ने ज़्यादातर BJP नूं टारगेट किया पर उहदा फायदा कुछ ज़्यादा उन्होंने होया नहीं। चाहे वह कहते रहे कि अदानी अंबानी ग्रुप कदे कहता, कदे रफेल डील लैके आ गए, कदे सर्जिकल स्ट्राइक के उत्ते सवाल खड़े कर दते, तो कदे चौकीदार चोर है कह दिता, तो कदे कह दिता कि जी हाँ जी वो कुछ भी चीज़ मतलब जो कुछ भी वो कहती रही कांग्रेस दैट डिड नॉट रेजिनेट। तो उन्होंने कांग्रेस को भी एहसास है कि असी जी अटैक की राजनीति है वह काफ़ी खेल रही है, वो चल नहीं रही। सो मुद्दों के उत्ते गल जी है वो वापसी इस वेले वो करते नजर आ रहे हैं जी। द बिगेस्ट साउथ एशियन मीडिया ग्रुप Y Media।